नमस्कार दोस्तों। पिछले दिनों मेरे खास मित्र सुशील वर्मा जी एडवोकेट, उन्होंने एक वीडियो रिलीज़ किया था जिसमें उन्होंने जीएसटी इम्प्लीकेशंस ऑन क्लोज़र ऑफ बिजनेस और उसमें आईटीसी के क्या इम्प्लीकेशंस हैं और किस तरह से कंप्लाइंसिस हैं वो पार्ट उन्होंने डिस्कस किया था। ये आज का मेरा वीडियो उसका एक एक्सटेंशन है जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जीएसटी इम्प्लीकेशंस इन द केस ऑफ डेथ ऑफ ए सोल प्रोप्राइटर। फ्रेंड्स, इमोशनल सब्जेक्ट है इसलिए कम डिस्कशन होता है, बट प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना। और वैसे भी कहा गया है शो मस्ट गो ऑन। तो फ्रेंड्स, बिफोर वी डिस्कस द जीएसटी, लेट मी टॉक समथिंग अबाउट द अदर लॉज एंड अदर प्रोसीजर्स इन केस ऑफ हैपनिंग ऑफ डेथ, अनफॉर्चुनेट डेथ ऑफ ए सोल प्रोप्राइटर। फ्रेंड्स, जब हम सोल प्रोप्राइटर की बात करते हैं, सोल प्रोप्राइटर छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, ट्रेडिंग हो सकती है, मैन्युफैक्चरर हो सकती है, सर्विस प्रोवाइडर, रेस्टोरेंट, और अच्छे बड़े साइज़ की भी हो सकती है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो 20-50 लाख वाली है, 100-100 करोड़ तक की भी सोल प्रोप्राइटर्स देखने में आई हैं। इम्प्लीकेशंस सभी के अलग अलग हो सकते हैं। एक्टिविटीज़ जिस समय डेथ होती है किसी भी प्रोप्राइटर साहब के, तो बिजनेस पूरा फैला हुआ भी हो सकता है, पार्टली परफॉर्म्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, पीओसी इशू हो चुके होंगे, माल अभी आया नहीं होगा, माल अभी जाना भी होगा, डिलीवरी पेंडिंग होगी, पॉजिटिव चेक्स पड़े हुए हैं इन हैंड हैं और पॉजिटिव चेक्स इशू भी करे हुए होंगे जो कि अभी बैंक में लगने बाकी हैं। सो फार एज विल वाला पार्ट है तो दो तरह के केसेस हो सकते हैं, या तो उन्होंने विल कर रखी है, टेस्टिमनी जिसको बोलते हैं, या इंटेस्टेट। इंटेस्टेट में कोई वैलिड विल नहीं है तो प्रोपराइटर साहब बिना कुछ कहे सुने लिखे पढ़े वो सब चले जाते हैं, देन थोड़ी सी पोजीशन और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो बेटर यही रहे कि विल लिखी हुई हो, विल नहीं होगी तो फिर ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे अभी बीच में। फ्रेंड्स, हर एक प्रोपराइटर का फैमिली कंस्टिट्यूशन भी डिफरेंट होता है। किसी में तो सारे के सारे फैमिली मेम्बर्स बिजनेस में लगे हुए हैं और कहीं पर कोई भी नहीं लगा हुआ, दो बच्चे हैं, दोनों के दोनों वेल सेटल्ड हैं, तो कोई भी नहीं है, तो दोनों केसेस में डिफरेंट हो जाता है। और लीगल हेयर सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हु इज़ द लीगल हेयर। तो लीगल हेयर फैमिली कंस्टिट्यूशन पे भी डिपेंड करेगा। फिर उसके बाद अगर हम इंडिया की बात करें तो हिंदू लॉ में भी दो तरीके, मिताक्षरा और दयाभागा, देन मॉमडन्स एक्ट, देन क्रिश्चियंस, सभी के लीगल हेयर्स डिटरमाइन करने का अलग अलग तरीका है। और अगर इंडियन सक्सेशन जहाँ पे विल वगैरह होगा तो इंडियन सक्सेशन में वो थोड़ा सा इजीली हो जाएगा। उस दिन जिस दिन अनफॉर्चुनेट डेथ होती है तो कॉन्ट्रैक्ट्स जितने भी होंगे वो सर्टेनली लीगल हेयर उसको परफॉर्म करेंगे, पार्टली परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट सब कुछ परफॉर्म किए जाएंगे, लेकिन जितने भी ऑथोराइजेशंस और अटॉर्नीज हैं वो डेथ वाले दिन सबके सब टर्मिनेट हो जाती हैं। अगर हम बैंक अकाउंट का जिक्र करते हैं तो बैंक अकाउंट में जो करंट अकाउंट के बैलेंसेस हैं वो उसी दिन फ्रीज हो जाते हैं। अब उसमें अगर कोई नॉमिनी डिक्लेयर करा गया है तो नॉमिनी को, अगर नॉमिनी नहीं डिक्लेयर करा गया है तो जो भी उनके लीगल हेयर होते हैं उनको पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उस अकाउंट में फर्दर कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो सकती, अनलेस सिर्फ ये है कि जो चेक इशू करे हुए होंगे उस दिन से पहले या जो पॉजिटिव डेटेड चेक जो भी जमा होने वाले होंगे टू दैट एक्सटेंट उसमें ट्रांजेक्शन हो सकती हैं, लेकिन फर्दर कोई उसमें चेक नहीं इशू किए जाते हैं। उसमें जो भी बैलेंस होता है वो नॉमिनी और लीगल हेयर्स में बढ़ जाता है। तो सोल प्रोप्राइटर साहब को जो नए आते हैं, जो लीगल हेयर आते हैं, उनको नया अकाउंट खोलना होता है और नए अकाउंट में ही वो अगला अपना बिजनेस कर सकते हैं। अगर सीसी लिमिट हो गया, टर्म लोन है तो बैलेंसेस रिकॉल हो जाते हैं और फ्रेश लिमिट इशू होती है बेस्ड अपॉन द फाइनेंशियल कैपेसिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द लीगल हेयर। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको मैं हाईलाइट करना चाहता था। इनको मेरे हिसाब से हर एक सोल प्रोप्राइटर साहब को इसमें शाई नहीं होना चाहिए, इसे डिस्कस करना चाहिए, अपने लीगल कंसल्टेंट से डिस्कस करें और कुछ ना कुछ एक ऐसा प्लान करें जिसमें आगे वाले अगर अनफॉर्चुनेट कुछ भी होता है तो उस केस में लीगल हेयर्स को कम से कम प्रॉब्लम हो। फ्रेंड्स, इसके बाद मैं जो थोड़ा सा ये हाईलाइट करने के बाद जीएसटी को कवर करते हैं कि जीएसटी में क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं। जीएसटी में अगर हम देखें तो
चार तरह के सिनेरियो हो सकते हैं जिस समय डेथ होती है। एक सिनेरियो तो ये होता है कि उनके लीगल हेयर्स बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं। दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि लीगल हेयर्स बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, वो उसे एकदम क्लोज करना चाहते हैं। तीसरा सिनेरियो हो सकता है कि बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बिजनेस में उस दिन में इतने सारे पेंडिंग काम होते हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, इतना स्टॉक है, उन सबको लिक्विडेट करने में, वाइंड अप करने में बिजनेस को टाइम लग जाता है। इट मे टेक 6 to 10, 12 months, तो उसके बाद वो अल्टीमेटली क्लोजर हो जाता है। और चौथा केस ये होता है कि जहाँ पे कोई लीगल हेयर है ही नहीं, या लीगल हेयर बिजनेस को इनहेरिट नहीं करना चाहता। तो ये चारों सर्कमस्टांसिस में जीएसटी के क्या इम्प्लीकेशंस हैं, हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं फ्रेंड्स कि जहाँ पर बिजनेस उनके लीगल हेयर्स कंटिन्यू करते हैं, तो हमारे पास प्रोविजंस हैं सेक्शन 22 सब सेक्शन 3, जहाँ पे किया कहा गया है कि इन केस ऑफ ट्रांसफर और सक्सेशन, जो ट्रांसफर ही हैं, जो भी लीगल हेयर हैं, वो जिस दिन डेथ होती है उस दिन से रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल होंगे। तो यानी कि अगर डेथ मान लीजिए 1 जून को होती है, तो लीगल हेयर को 1 जून से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो ये हमारी पहली कंडीशन है। और सारा का सारा जितना भी प्रोविजंस है वो इसी के इन्वॉल्व होते हैं कि लायबिलिटी जो पुराने जो सोल प्रोप्राइटर के, जो डिसीज पर्सन की है, वो टर्मिनेट हो जाती है जिस डेथ के साथ, और लायबिलिटी क्रिएट होती है फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ ऑफ द लीगल हेयर्स, आपकी लायबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप इस डायरेक्शन में यह है कि जो भी लीगल हेयर हैं उनको ऑथोराइज सिग्नेटरी बनना पड़ेगा। डेथ तक जो ऑथोराइज सिग्नेटरी थे वो प्रोपराइटर साहब खुद ही थे, लेकिन डेथ के बाद आगे जितने भी काम होंगे, जितने भी जो पेपर साइन होंगे, जितने भी होंगे, सभी कुछ तो वेरिफिकेशन और सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक है। तो सबसे पहला काम है कि ऑथोराइज सिग्नेटरी बनना। अगर लीगल हेयर ऑलरेडी ऑथोराइज सिग्नेटरी है तो फिर इस स्टेप की जरूरत नहीं है। ऑथोराइज सिग्नेटरी बनने के लिए जरूरी है कि वहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर के पास विजिट करें, जो भी आपका ज्यूरिसडिक्शन ऑफिसर है, उसके पास दो डॉक्यूमेंट और बताए गए हैं जो जीएसटीएन के पोर्टल पे लिखा हुआ है, कि एक तो आपको डेथ सर्टिफिकेट लेके जाना है और दूसरा साथ में सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ता है। सक्सेशन सर्टिफिकेट से ही पता चलेगा कि लीगल हेयर वाकई लीगल हेयर के लायक है या भी नहीं है, मतलब कि ही कैन बिकम द लीगल हेयर और नॉट। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप वो होगा कि फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ विद इन 30 डेज लीगल हेयर साहब को नया रजिस्ट्रेशन लेना है। अगर लीगल हेयर साहब के पास एग्जिस्टिंग कोई फॉर्म है जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो इस स्टेप की भी जरूरत नहीं है। उसी उसी नई एग्जिस्टिंग फॉर्म में ही बिजनेस ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो विद इन 30 डेज उनको नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, रीजन लिखना पड़ेगा डेथ ऑफ द प्रोपराइटर, और उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे उसमें उन डॉक्यूमेंट्स के अलावा डेथ सर्टिफिकेट को भी इंक्लूड किया जाएगा। थर्ड स्टेप फ्रेंड्स आता है ट्रांसफर ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। जीएसटी हमें बेनिफिट देता है सेक्शन 18, जो कि कहता है कि इस इन केस ऑफ ट्रांसफर, ये जो आईटीसी का बैलेंस है ये सक्सेसर के नाम पे ट्रांसफर हो सकता है। फ्रेंड्स पहले इसको बता दें जरा, इसमें यहाँ पे एक बात मैं हाईलाइट कर दूं कि सक्सेशन के केस को ट्रांसफर ऑफ बिजनेस माना गया है। तो जैसे ही किसी की डेथ होती है और बिजनेस टेक ओवर होता है लीगल हेयर से, इट इज ट्रीटेड एज ए ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिल सकता है। इनपुट का टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिलने के लिए रूल है रूल 41, जो कि कहता है कि ITC 02 फाइल करना पड़ेगा। एक चीज नोट करें फ्रेंड्स, ITC 02 का डुअल पर्पस है। फर्स्ट पर्पस इज टू ट्रांसफर द इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड द सेकंड पर्पस इज टू इंटीमेट। अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट 0 भी है तो भी ITC 02 फाइल करना पड़ेगा। इसके साथ एक सीए सर्टिफिकेट और लगाना है। सीए सर्टिफिकेट में लिखना होगा कि ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर्ड। इसकी क्या रीजन है? देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ कंट्री नंबर 2 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 वो ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एज ए गोइंग कंसर्न को एग्जम्पशन देती है। तो इसलिए वो एक सर्टिफिकेट और लेते हैं कि पूरा का पूरा बिजनेस ट्रांसफर हुआ है या इसमें सिर्फ खाली एसेट है, लाइबिलिटीज हुई है। तो सीए साहब
चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, वो सर्टिफिकेट इशू करते हैं जो कि कहते हैं कि ऑल द एंटायर एसेट्स एज वेल एज लाइबिलिटीज हैव बिन ट्रांसफर्ड। तो दिस इज फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इनपुट एज क्रेडिट टू द ट्रांसफरी। इसके बाद पोर्टल में जाकर ट्रांसफर भरेगा, ट्रांसफर ही उसे एक्सेप्ट करेगा। जब इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो उसके बाद सारा का सारा इनपुट टैक्स क्रेडिट ट्रांसफरी के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में दिखना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इन तीन स्टेप के बाद लास्ट स्टेप एंड फोर्थ स्टेप इज टू कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑफ द डिसीज्ड पर्सन। उसके बाद पोर्टल पे जा करके फॉर्म भरना होगा, जो पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको कैंसिल करवाना पड़ेगा। ये प्रोसेस भी 30 दिन के अंदर कंप्लीट करना होगा। उस दिन का जो भी स्टॉक वगैरह है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि ट्रांसफर जब पूरे के पूरे बिजनेस का हो गया तो स्टॉक इनफेक्ट बचेगा ही नहीं। वो सारा का सारा बिजनेस अलॉन्ग विद ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर टू दी ट्रांसफरी। देयर फोर देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू पे एंड कैलकुलेट टैक्स ऑन द स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ डेथ। देन एक फाइनल रिटर्न जरूर फाइल करनी पड़ेगी फॉर्म 10 में। तो फाइनल रिटर्न भरने के साथ सारा प्रोसेस ये खत्म हो जाता है। तो सर, दिस वाज द फर्स्ट सिनेरियो। नाउ वी आर डिस्कसिंग दिस सेकंड सिनेरियो, जहां पर लीगल हेयर उस बिजनेस को कंटिन्यू ही नहीं करना चाहते हैं और क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने का मतलब कि जिस दिन डेथ हुई उसके बाद कोई एक्टिविटी नहीं होगा और बिजनेस विल बी डिसकंटिन्यू एंड क्लोज। इसमें दो स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप इज टू अपॉइंट द ऑथोराइज सिग्नेटरी। जैसे हमने पहले डिस्कस करा, अगर ऑलरेडी लीगल हेयर जो है ऑथराइज सिग्नेटरी नहीं है तो उन्हें अपने आप को अपॉइंट करवाना पड़ेगा। दूसरा स्टेप ये होगा कि कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि जब हम रजिस्ट्रेशन कैंसिल की बात करते हैं तो उस दिन तक का जितना भी स्टॉक होगा उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। स्टॉक में इंक्लूड दी रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स एंड कैपिटल गुड्स एंड दी वर्क इन प्रोग्रेस। तो सारे के सारे स्टॉक पर टैक्स पे करना पड़ेगा और उसके बाद फाइनल रिटर्न फाइल होगी। तो फ्रेंड्स, दिस वाज द सिनेरियो टू। पहले हमने डिस्कस करा जहाँ पे बिजनेस कंटिन्यू होता है, दूसरा सिनेरियो हमने डिस्कस करा जहाँ पर बिजनेस क्लोज बाय द लीगल हेयर। द थर्ड सिनेरियो इज के लीगल हेयर बिजनेस को क्लोज करना चाहते हैं लेकिन उसमें बहुत सारी ट्रांजेक्शन पेंडिंग है जिसको कंप्लीट करना जरूरी है, तो विच मे टेक 6 मंथ्स और 12 मंथ्स। तो इस लिक्विडेशन के प्रोसेस में कुछ टाइम लग सकता है। तो अगर ऐसी कोई स्टेज है तो पहला प्रोसेस तो यही होगा कि लीगल हेयर को ऑथोराइज सिग्नेटरी बनना पड़ेगा। एंड जब तक ये फाइनली नहीं हो जाता तब तक विल बी कॉल्ड एज कंटिन्यूइंग द बिजनेस। तो यानी कि हमारा पुराना फर्स्ट सिनेरियो विल बी एप्लीकेबल। वो लीगल सिनेरियो, सबसे पहले अपने आप को ऑथोराइज सिग्नेटरी बनाएंगे, फिर एक रजिस्ट्रेशन लेंगे, रजिस्ट्रेशन लेने के बाद बिजनेस को कैरी करेंगे, ITC को ट्रांसफर करेंगे और उसके बाद कैंसिल करेंगे जब भी उनका सब कुछ एक्टिविटी कंक्लूड हो जाती है। सो दीज आर दी फोर स्टेप्स वुड बी फॉलोड एट दैट टाइम एज इफ ही इज कंटिन्यूइंग द बिजनेस। इसमें फिफ्थ स्टेप एक और हो जाएगा कि जिस समय उनका सब कुछ कंक्लूड हो जाएगा तो वो अपना अपना रजिस्ट्रेशन जो उन्होंने लिया था टेम्परेरली फॉर द पर्पज ऑफ ऑल दी एज एक्टिविटी दैट वुड ऑल्सो बी कैंसल। लास्ट सिनेरियो वुड बी कि बिजनेस इज डिसकंटिन्यू बट देर इज नो लीगल हेयर। अब कई बार ऐसा भी होता है कि कोई लीगल हेयर ही नहीं है, या लीगल हेयर फॉरन में सेटल्ड है, या लीगल हेयर उसमें कुछ भी बनना नहीं चाहते। तो उस केस में तो फ्रेंड्स और कुछ तरीका नहीं है, एक ही तरीका है कि या तो विल में अगर लिखा हुआ है कि कौन एग्जीक्यूटर या मैनेजर होगा तो वो आ जाएगा, नहीं तो कोर्ट के पास जाना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन जनरल को अपॉइंट करवाना पड़ेगा या किसी मैनेजर या रिसीवर को अपॉइंट करके इसको ट्रांजेक्शन्स को कंक्लूड करना पड़ेगा और बिजनेस को क्लोज करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सारे इम्प्लीकेशंस मैंने GST के आपके साथ डिस्कस करे। तो प्रैक्टिकली हम अगर मान लीजिए हम इसको जरा हम थोड़ा सा एक दो लाइनों में अगर इनकम टैक्स से कंपेयर करें तो इनकम टैक्स में प्रोविजंस हैं सेक्शन 159, 161, 168 में कि डिसीज्ड पर्सन के नाम से भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो बैंक के पर्पज से बिजनेस ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, नया अकाउंट खुल चुका है, GST के पर्पज से ऑलरेडी नया रजिस्ट्रेशन ले चुके हैं, तो इवन इफ सम अदर एक्ट सेज बिजनेस पुराने नाम से कैरी हो ही नहीं सकता। हो सकता है कि इसमें फर्दर फैक्ट्रीज एक्ट में कुछ ESI में PF में भी फर्दर रिक्वायरमेंट हो, जो कहते हो कि वहां पर भी इंटीमेशन हो, वो एक सेपरेटली देखनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आज का जो डिस्कशन था
इसी पर था कि जीएसटी इम्प्लीकेशन इन द केस ऑफ डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटर। इसमें मैं थैंक यू करना चाहूँगा मेरे फादरली फिगर सीए केसी गुप्ता जी, बहुत एल्डर्स, बहुत ही सीनियर प्रोफेशनल है, सुशील वर्मा जी एडवोकेट, और मेरे दो फ्रेंड्स जिन्होंने सक्सेशन से रिलेटेड मुझे इनपुट्स दिए। दिस आई लाइक टू थैंक एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।